कैसे हैं आप सभी लोग, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप अपने बालों को लंबा, काला और घना बनाए रखना चाहते हैं तो देखिए बहुत ही अच्छी सी शाइन आई है ना मेरे बालों में। उसी तरह से आप अपने बालों में शाइन पा सकते हैं, बालों को सफेद होने से बचा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा सा घरेलू उपाय जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ दोस्तों, ये बहुत पहले आयुर्वेदिक में यूज किया जाता था जिससे कि हमारे बाल लंबे समय तक सफेद नहीं होते हैं। और इन सारी चीजों का मैं यूज करती हूँ और आप लोगों के साथ में अपनी वीडियो शेयर करती हूँ। अगर वीडियोस पसंद आती है तो लाइक जरूर कर देना दोस्तों, और इसे मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों के साथ में इसे शेयर करती हूँ दोस्तों। हमेशा आपने देखा होगा मेरी वीडियो में, मैंने अपने खुद के बालों पे इसे अप्लाई करके दिखाया है, अपने हस्बैंड के बालों पे इसे अप्लाई करके दिखाया है। ऐसा नहीं है कि बस हाथों पे या फिर कहीं पे भी या फिर बोल के एंड नहीं किया है वीडियो मेरी। और आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट जो किया ना दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे ऐसे कॉमेंट्स आए कि दीदी बहुत अच्छा लगता है कि आप पूरा लाइव करके बताती, तो ये बहुत ही घरेलू उपाय है और इसे जरूर आप लोग करना, इसका आपको बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट भी मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं इसे किस तरह से बनाना है, लगाना है अपने बालों पे और कितने टाइम तक इसे रखना होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, ये है गुआवा के पत्ते, देखिए आप अच्छी तरह से देख लीजिए इसे स्क्रीन पे। ये है गुआवा लीव्स जो कि मैं लेकर आई अपने गार्डन से, बहुत ही इजीली ये हमारे गार्डन में बगीचे में मिल जाती हैं। तो आपको गुआवा के पत्ते लेने हैं। सफ़ेद बालों को काला अगर बनाए रखना चाहते हैं ना दोस्तों, तो ये बहुत ही अच्छा है। इसके पहले भी मैंने वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर की है, ज़रूर चेक करिएगा। गुआवा के पत्तों को आपको लेना होता है। यहाँ पे मैंने लोहे की कढ़ाई ले ली है और पैन को हीट कर लिया है। यहाँ पे स्लो आंच पे आपको करना है। आपको लेना है एलोवेरा का लीफ, जो कि फ्रेश लीव्स लेने हैं आपको। अगर आपके पास पाउडर अवेलेबल है तो आप पाउडर भी ले सकते हैं। गुआवा और एलोवेरा के अगर आपके पास पाउडर अवेलेबल हैं दोस्तों, तो आप ज़रूर ले लीजिए। और लीव्स को देखिए साइड से जो उसके कांटे होते हैं ना, तो उसे स्टेम से उसे रिमूव करना है और इसे हमें ऐड कर लेना है इस पैन में। दोस्तों, हमारे बालों को लंबे समय तक काला बनाए रखने के लिए ना गुआवा और ये जो हम मिक्सचर बना के यहाँ पे रेडी करने वाले हैं, बेस्ट होने होता है हमारे बालों के लिए। क्योंकि गुआवा में एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटी माइक्रोबायल पाया जाता है जो बालों की स्ट्रांग बनाता है, बालों को एंटी ऑक्सीडेंट पाया जाता है। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि आंवला में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है। क्या आप लोगों को ये भी पता है गुआवा में भी विटामिन सी की मात्रा भरपूर होती है? और देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने कड़ी पत्ते को ऐड किया है। इन तीनों का जब आप मिक्सचर जब आप ऐड करके बनाएंगे ना, इसका केमिकल रिएक्शन बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त होता है। वाटर आपको डाल देना है। देखिए, लोहे की कढ़ाई में थोड़ी देर आप इसे चलाते हुए पका लेंगे ना, तो ये जो वाटर होता है ना, वो ऑटोमेटिकली ब्लैक में टर्न हो जाता है। ये बहुत ही बेस्ट है उन लोगों के लिए जिनके बाल बहुत तेज़ी से सफ़ेद हो रहे हैं आज के डेट में। दोस्तों, बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है बालों की सफ़ेदी की वजह से, और गुआवा लीव्स बहुत अच्छा होता है। विटामिन सी की भरपूर मात्रा पाई जाती है इसमें, जिससे कि आपके बाल लंबे समय तक काले बने रहते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे हमने देखिए गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए ना दोस्तों, तो इसे आपको स्ट्रेनर की हेल्प से रिमूव कर लेना। देखिए, यहाँ पर हमारा जो ये एलोवेरा है ना, बहुत अच्छी तरह से एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हो चुका है। जितने भी पत्ती हमने इसमें ऐड किए हुए, ये सारे के सारे एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं। गुआवा हमारे हेयर की ग्रोथ को आता है, बूस्ट करता है कोलाजन एक्टिविटी को। बालों में अगर जितनी भी आपको स्कैल्प में ईचिंग की प्रॉब्लम होती है, खुजली आती है, बालों में स्ट्रेंथ है नहीं है स्कैल्प में, तो ये बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है और हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बाल इससे ना बहुत ही शाइन हो जाते। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छा सा जो हमने ये यहाँ पर ये रेडी कर लिया ना, ये पानी आप देख लीजिए, जो वाटर आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ ना, ये ऑटोमेटिकली ब्लैक फॉर्म में टर्न हो जाता है। हमें इन सारी चीज़ों का यूज़ करना है दोस्तों। आपको लेना है एक जार, मिक्सर जार, देखिए यहाँ पे पानी का आप कलर देख लीजिए। मिक्सर जार में इसको हर एक चीज़ को अच्छी तरह से ऐड कर देना है और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद आप अपने बालों पे इसे लगाइए। कम से कम 10 मिनट तक अपने बालों पे इसे लगा के रखिए मॉर्निंग में, जब भी आप नहाने जाएं। उसके बाद अपने हेयर को वॉश कर लीजिए माइल्ड शैम्पू से। अगर आपने इसे महीने भर तक लगा लिया ना दोस्तों, आप खुद देखेंगे कि आपके जो ग्रे हेयर है ना, वो रिवर्स होना स्टार्ट हो चुके। बालों में इतनी अच्छी चमक आ जाती है ना, एक वॉश में ही
आपको इसका फ़र्क देखने के लिए मिलेगा। एक बार के अगर लगाने से ही आपको इसे महसूस होगा, आप खुद महसूस करेंगे कि हम आपका जो बाल है ना बहुत ही अच्छे से शाइन हो चुका है, आपके बालों की जो गंदगी होती है, स्कैल्प में जो ईचिंग की प्रॉब्लम होती है बहुत ही अच्छे से सॉल्व हो जाती है। तो इसी तरह से आपको पेस्ट बना के रेडी कर लेना होता है। वैसे तो गुआवा में ऑलरेडी विटामिन सी पाई जाती है भरपूर मात्रा में, हम इसमें सिर्फ और सिर्फ आंवला पाउडर ही ऐड करेंगे और अपने बालों पे इसे अप्लाई करेंगे। आंवला पाउडर भी हमारे बालों को लंबे समय तक काला बनाए रखने के लिए सबसे बेस्ट होता है। और जो हमने इसमें एलोवेरा और करी लीव्स ऐड किया ना दोस्तों, इससे आपके बाल, मतलब सारी इंग्रेडिएंट्स ऐसी है ना कि आपके बाल काले ही बनाती है। तो दोस्तों बहुत से लोगों को नहीं पता है गुआवा के बारे में, गुआवा के पत्तों के बारे में, आप इसे गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए, बहुत ही अच्छा है, बहुत से लोग इसका लाभ ले रहे हैं दोस्तों, तो ज़रूर करिए। मैंने खुद इसे पर्सनली एक्सपीरियंस किया, देखिए मेरे बाल कितने अच्छे हो चुके हैं, इतनी अच्छी शाइन आई है जब मैंने इसे मॉर्निंग में अप्लाई किया। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से लाइक करिए और शेयर करिए इस वीडियो को ज़्यादा से